जो ऑप्शन आप इससे सेलेक्ट कर सकते थे वही सारा काम आप यहाँ से कर सकते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने किया सेल्टोस की इंफोटेनमेंट स्क्रीन का कंट्रोल ले पाएंगे। जैसे कि आपका रेडियो हो गया, आपका साउंड सिस्टम हो गया, आपका एयर प्यूरीफायर हो गया, ये सारा कंट्रोल्स आप अपने मोबाइल से ही कर पाएंगे। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? कई बार हमको सजेस्ट किया जाता है भाई कि ड्राइव करते समय हमको ज़्यादा ध्यान इधर उधर नहीं लगाना चाहिए, इंफोटेनमेंट स्क्रीन की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना चाहिए। अब ऐसे में मल्टीमीडिया स्क्रीन, जो आपकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन को पीछे से बैठा हुआ कोई भी बंदा इजीली अपने मोबाइल से कंट्रोल करके गाना वाना चेंज कर पाएगा, FM चेंज कर पाएगा, अपने मोबाइल से वीडियो इसमें प्ले कर पाएगा बहुत आसानी से। इसको स्क्रीन को टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सिंपल सा वीडियो है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, तो इसको पूरा देखिएगा, मिस मत करिएगा दोस्तों। तो गाइज, आपको सबसे पहले क्या करना है कि प्ले स्टोर पर जाना है और यूवो लाइट ऐप, ठीक है, यूवो लाइट ऐप आपको डाउनलोड करना है। किया यूवो लाइट तो ये एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल करना है। ज़्यादा बड़ी एप्लीकेशन नहीं है, 6.2 MB की एप्लीकेशन है। इसको इंस्टॉल करने के बाद जो है असली प्रोसेस स्टार्ट होगा वो मैं आपको बताऊँगा। तो एक सेकेंड ये इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ गाइज। तो गाइज, जब ये इंस्टॉल हो जाए उसके बाद इसको आपको ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद ये टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी, इनको एग्री कर देना है। और इसके बाद देखिए अभी क्या दिखा है, गो टू फोन ब्लूटूथ सेटिंग एंड पेयर द कार ऑडियो। कोई दिक्कत नहीं, हम इसको स्किप कर देते हैं, हम आगे कर लेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ये तीन ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, रेडियो, मीडिया और साउंड बार। तो पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे ब्लूटूथ को ऑन कर लेना, और ये दिखा रहा है पेयर डिवाइसेस नहीं है, तो पहले ही आप अपने मोबाइल से अपनी गाड़ी को पेयर कर लीजिए। बहुत सिंपल सा स्टेप है। चलिए मैं यहाँ पे कनेक्ट भी कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिमोट कंट्रोलर इज कनेक्टेड शो कर रहा है, ठीक है गाइज। अब उसके बाद वापस आते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। अब यहाँ से मेरे को रेडियो कनेक्ट करना है, देखिए तो यहाँ पर क्या बता रहा है, स्विच ऑन इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो मैं यहाँ से ना रेडियो को एक बार पहले ना ऑन कर लेता हूँ, और मैं आवाज़ कम करता हूँ, आवाज़ कम कर लेता हूँ, ये तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये रेडियो का पूरा यहाँ आइकन आ गया है। उसके बाद इसको आप नेक्स्ट सर्च करना हो तो देखिए नेक्स्ट में चला गया। अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ, आप देखिए सर्चिंग FM आ रहा है। फिर नेक्स्ट सर्चिंग FM में जाएंगे तो ये आपका नेक्स्ट मोड में चला गया। तो यहाँ से आप पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। ऑडियो मैंने एकदम मिनिमम कर रखा है, ऑडियो बढ़ाना चाहे तो ऑडियो भी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए वॉल्यूम का लेवल बढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ भी वॉल्यूम का लेवल बढ़ रहा है दोस्तों, ठीक है गाइस। तो यहाँ से आप पूरा FM कंट्रोल कर सकते हैं। वॉल्यूम मैंने जानबूझ के कम कर रखी है जिससे कि कॉपीराइट ना आए। आप देखिए, अब देखिए इसीलिए मैंने वॉल्यूम कम कर रखा है। अब नेक्स्ट आते हैं मीडिया पे, मीडिया सेलेक्ट कर लिया। देखिए ब्लूटूथ ऑडियो, USB म्यूजिक, USB वीडियो। अब इसमें क्या है कि भाई मीडिया कनेक्टेड नहीं है इसमें, इसलिए नहीं शो कर रहा है। अब बैक जाते हैं, मैं साउंड पे चला जाता हूँ। साउंड सेटिंग यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, इक्वलाइज़र भी है। पोजीशन आप चेक करना चाहें तो वो कर सेट, चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इक्वलाइज़र का ऑप्शन है, मैंने बास फुल रख रखा है इसलिए मस्त आवाज़ आती है। अर्कमिस साउंड का ऑप्शन यहाँ पे आता है, मैंने क्लब में सेलेक्ट कर रखा है। जो ऑप्शन आप इससे सेलेक्ट कर सकते थे वही सारा काम आप यहाँ से कर सकते हैं, तो ये मैंने बैक कर दिया, ठीक है गाइज। तो ये और चौथा ऑप्शन आता है आपका प्यूरीफायर का। देखिए स्मार्ट एयर प्यूरीफायर कंट्रोल इज डिसेबल्ड, एयर प्यूरीफायर इज ऑफ आ रहा है। तो मैं इसको यहाँ से ऑन करूँगा, और यहाँ से आप देखिए पीछे जाइए, पीछे देखिए एयर प्यूरीफायर ऑन हो गया होगा गाइस। तो एयर प्यूरीफायर पीछे का ऑन हो गया। तो गाइस, किया यूवो लाइट ऐप की मदद से आप ये सारे काम जो है ना बैक सीट पर बैठ कर भी आराम से कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में जो ड्राइवर है वो पूरी तरह अपनी ड्राइविंग पे कंसंट्रेट कर सकता है, उसको किसी भी चीज़ का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सिंपल सा ऐप है, इसको यूज़ करिए, यूज़ करके देखिए, बहुत मस्त है ऐप है ये। पूरा कंट्रोल आपका इंफोटेनमेंट स्क्रीन का आपके पास आ जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर इस वीडियो के थ्रू पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं लेके आता रहा हूं। और आपके दिमाग में कोई डाउट चल रहा है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उस डाउट को क्लियर करने की। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।